राजस्थान से बड़ी खबर आ रही है कि भले ही पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की जीत और बीजेपी की हार हुई हो, लेकिन कांग्रेस आलाकमान खुश हो रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। लेकिन आने वाले समय में, खासकर अगले साल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2024 के आम चुनाव को लेकर उनकी चुनौती पड़ने वाली है। नंदीग्राम हार कर भी ममता बनर्जी ने जो जीत हासिल की है उसके तारीफ तमाम दिग्गज कांग्रेसी खासकर आलाकमान से असंतुष्ट जीत भी समूह ने की यताई अलग मायने में रखी जा रही है, क्योंकि कांग्रेस ने सफल नेतृत्व के अभाव में असंतुष्ट कांग्रेसी धड़े समेत क्षेत्रीय ममता को विपक्ष नेता बतौर देख रहे हैं। इस तरह की अभिलाषा पालने वाले बगैर किसी छिपाव के इस भावना को उजागर भी कर रहे हैं। जाहिर है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद पार्टी में एक बार फिर असंतुष्ट की मुंहखोर आने लगी है। संगठन की मौजूदा हालत और जमीनी राजनीति को भांपने में नेतृत्व की कमजोरियां अंदर खाने में पनप रही है और असंतुष्ट की बड़ी वजह है पार्टी असंतुष्ट के जीते भी इसके नेताओं ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल जीत के बाद ममता बनर्जी को जिस तरह खुलकर तारीफों के पुल बांधने की शुरुआत की, वे कांग्रेस हाईकमान के लिए चिंता का जरूर संकेत है, क्योंकि वे बिना लाग लपेटे दीदी में राष्ट्रीय नेतृत्व की संभावनाएं देखने लगे हैं। कांग्रेस हाईकमान के करीबी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का ममता को देश की नेता बताए हैं जाने के बयान को लेकर भी असंतुष्ट खेमा बहुत ही अहम मान रहा है। असंतुष्ट खेमे के नेताओं ने कहा, ऐसे में मौजूदा राजनीतिक हकीकत को स्वीकार करते हुए संगठन और कार्यशैली में बदलाव के सुझाव पर तत्काल अमल शुरू नहीं करें तो बाद में बहुत ही देर हो जाएगी। और पार्टी के कई दूसरे वरिष्ठ नेता भी अब खुलकर सामने की तैयारी में हैं। आसाम और केरल में कई नेता जिनके केशुधारकरण और मुरलीकरण जैसे नेता भी हैं, जो पार्टी के मौजूदा स्थिति पर चुप्पी तोड़कर खुलकर मैदान में आ गए हैं। बंगाल में जीत के बाद बीजेपी को मात देने जीते भी इसके प्रमुख गुलाम नबी आजाद ने जब ममता को पूरक की श्रेणी बताया तो आनंद शर्मा ने बीजेपी को सियासी बुलडोजर को थाम दीदी के समावेशी लोकतंत्र में विश्वास करने वाली ताकतों को उम्मीद की नई किरण दिखाई है। अब देखना यह होगा कि जब जहां से दीदी की तारीफ कर रहे हैं वहां पर भी एक धड़ा ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब कांग्रेस को गैर गांधी परिवार का अध्यक्ष चुनना चाहिए, कांग्रेस को गैर परिवार का अध्यक्ष चुनना चाहिए जो युवा हो। और कहीं ना कहीं सब ये मन बना कर बैठे हैं कि सचिन पायलट एक युवा नेता है और उनकी पकड़ भी बहुत ही अच्छी है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान के वो बहुत ही अच्छे लोकप्रिय नेता भी माने जाते हैं। और वहाँ केरल में जो उन्होंने प्रचार किया, उन्होंने 5 सीटों पर जहाँ प्रचार किया था उसमें से 4 सीटें कांग्रेस के खाते में आई है। इसको देखते हुए अंदर खाने में सब सचिन पायलट की ही तारीफ कर रहे हैं और एक नाम आ रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन पायलट को बना दिया जाना चाहिए, सचिन पायलट को नेतृत्व दिया जाना चाहिए जिसे कांग्रेस की काया पलट सके। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।